बॉलीवुड में आज अगर कोई अभिनेता फिल्मों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर राज करता है तो वो है सलमान खान, जिनका पर्दे पर ताबड़तोड़ कमाई करने का सिलसिला शुरू हुआ था साल 2010 में आई फिल्म दबंग से, जो कि एक कंप्लीट पैकेज फिल्म थी जिसमें कॉमेडी, एक्शन और इमोशन, हर चीज का कंप्लीट पैकेज देखने को मिला, जिसने दर्शकों को इतना एंटरटेन किया कि ये फिल्म सलमान खान के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, जिसके चलते इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट को पर्दे पर उतारा गया और अपने पहले पार्ट की तरह इसके बाकी दोनों पार्ट्स ने भी पर्दे पर काफी अच्छी कमाई की थी, जिसके चलते फिल्म मेकर जल्दी इसके चौथे सीजन को बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, खबरों के मुताबिक आप जल्द ही दबंग 4 मूवी देखने वाले हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार फिल्म की कहानी और किरदार कौन से होंगे और ये फिल्म थिएटर पर कब तक रिलीज की जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। मगर इससे पहले अभिनेता सलमान खान के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 2010 में आई फिल्म दबंग बॉलीवुड की सबसे एंटरटेनिंग फिल्मों में से एक रही, जिसके डायलॉग्स और गाने आज भी दर्शकों की जुबान पर रहते हैं। साल 2010 में बनाई गई ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था अभिनव सिंह कश्यप ने और प्रोड्यूस किया था अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने। फिल्म की कहानी चुलबुल पांडे नाम के एक ऐसे इंस्पेक्टर पर आधारित होती है, जो खुद को रॉबिन हुड कहकर बुलाता है। सौतेला बेटा होने के कारण चुलबुल पांडे हमेशा ही अपने पिता और भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, जिसका फायदा लोकल लीडर छेदे सिंह उठा लेता है और उसके परिवार और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके चलते इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ कई ट्विस्ट, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा का जबरदस्त पैकेज देखने को मिला था, जिसे सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद और अरबाज खान जैसे कई कलाकारों ने बखूबी पर्दे पर पेश किया, जिसके चलते ये फिल्म पर्दे पर उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म रही थी। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए 2012 में दबंग 2 नाम से इसका सीक्वल रिलीज किया गया था, जिसे इस बार अरबाज खान द्वारा डायरेक्ट किया गया, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान केमिस्ट्री जमाते नजर आए थे। हालांकि फिल्म में इस बार विलन सोनू सूद की जगह प्रकाश राज ने ले ली और इस फिल्म को भी दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। वही साल 2019 में इसका तीसरा पार्ट लाया गया था, जो कि पर्दे पर सफल रहा, इसलिए हर कोई इसके चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसे सलमान खान जल्द ही पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो दबंग सीरीज एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने वाली है, जिसकी स्टोरी पर काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है ये फिल्म भी बाकी तीनों पार्ट्स की तरह ही एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें इस बार एक्शन, कॉमेडी और ड्रामे का डबल डोज देखने को मिलेगा, जिसके लिए मुख्य अभिनेता के तौर पर सलमान खान का नाम तो कंफर्म ही है और उनके ऑपोजिट एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा को अप्रोच किया गया है, जिसके चलते दर्शक एक बार फिर से इस जोड़ी को देखने के लिए उतावले हो चुके हैं। वही विलन के लिए इस बार आपको फिर से सलमान खान सोनू सूद के साथ दो दो हाथ करते नजर आ सकते हैं, जिन्होंने इसके पहले पार्ट में भी अपने डायलॉग और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर अलग छाप छोड़ी, जिसके चलते हर कोई बेहद एक्साइटेड है। मगर आपको बता दे, अभी सलमान खान के अलावा किसी और की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया और ना ही फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसके चलते इस फिल्म को फ्लोर पर आने में अभी समय लगने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है, क्या दबंग 4 भी अपने पहले और दूसरे पार्ट की तरह पर्दे पर धमाल दिखा पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।